स्टूडेंट वेलकम टू द क्लास 11 फिजिक्स द चैप्टर इज मोशन इन ए प्लेन। द प्रीवियस वीडियो द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन इन ए प्लेन या मोशन इन ए प्लेन व्हेन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन द इक्वेशंस वेयर डायरेक्ट right here the equations were like this r vector r dot plus this is the v dot vector t plus r into a vector into t square इसे निकाले थे x x बराबर प्लस डिवाइड एक्स टू प्लस हाफ एक्स टू स्क्वायर वाई बराबर वाई डॉट प्लस डिवाइड वाई टू प्लस हाफ ए वाई टू स्क्वायर इक्वेशन। जस्ट यू सी इनके इन द एनसीईआरटी बुक देखोगे तो पेज नंबर 76 में एग्जाम्पल 4.5 मिलेगा। एग्जाम्पल 4.5 में क्वेश्चन है ये पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन मतलब एक्स भी जीरो होगा और वाई भी नॉट भी जीरो होगा, उसके दोनों पार्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, विथ अ वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी क्या होगा टाइम टी पर, और ये वेलोसिटी जो है दिया हुआ है इसका कितना दिया हुआ है, बुक भी दिखा रहे हैं ना, इसी बुक डेंसिटी दिया हुआ है 5.0 आई। आई का मतलब हो गया अलोंग एक्स एक्सिस है, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस राइट, मतलब एक वी नॉट एक्स हो गया, आई का मतलब अलोंग एक्स एक्सिस। और एक्सेलरेशन इज गिवन, एक्सेलरेशन ए गिवन फॉर वाटर, दिस इज गिवन एक्सेलरेशन ऑफ 0 जे, ये है इसका मतलब एक्सेलरेशन इज गिवन 3.0 आई प्लस 2.0 जे राइट गिवन है। निकालना है प्रोड्यूस ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है इतना। What is the y coordinate of the particles at the instant? Its x coordinate is 14.4 meter. Motion in a plane है, मतलब along x axis और y axis. ये जा रहा है, इसे ये जा रहा है, यहाँ पकड़े particle का position. तो ये वाला part, x वाला part 84 है. तो ये y वाला part कितना होगा निकालना है? जस्ट ये देखो, जस्ट यू रिमेम्बर दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को रिमेम्बर करो ना, इस इक्वेशन को रिमेम्बर करेंगे द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी बराबर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए ये वाला पार्ट क्या आ गया है जीरो कर देंगे प्लस ए भी नॉट, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है कितना है इनिशियल 5.0 आई, और ये वाला जे वाला कंपोनेंट मतलब एलो वाई एक्सिस भी है प्लस है, ये जो इंटू टी रहेगा प्लस हाफ इंटू ए एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना 3.0 आई प्लस 2.0 जे इंटू टी स्क्वायर
इसको सेपरेट करेंगे, इसको सेपरेट अगर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स आई प्लस कितना वाई जे, आर बराबर होता ही रहता। यहाँ पर देखो दिस वन इज आई 5.0 आई इंटू टी प्लस 3.0 हो गया, हाफ इंटू कितना हो जाएगा 3.0 आई प्लस हाफ इंटू और टी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जाएगा यहाँ 1/2 इंटू 2.0 जे और ये टी स्क्वायर हुआ, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो एक्स आई एक्स आई प्लस वाई जे बराबर आई वाला पार्ट के जो है करो उसी का 5.0 टी प्लस ये हो जाएगा 3/2 टी स्क्वायर इंटू आई प्लस क्या हो जाएगा कितना 1.0 टी स्क्वायर जे। अब इक्वलाइज करेंगे एक्स का वैल्यू कितना होगा, इक्वेटिंग करेंगे एक्स बराबर कितना एक्स बराबर 5.0 टी प्लस 3/2 टी स्क्वायर और वाई का वैल्यू कितना हो गया वाई का वैल्यू हो गया 1.0 टी स्क्वायर इक्वेटिंग का कॉपिशन कर देना। क्वेश्चन के अनुसार द वैल्यू ऑफ एक्स इज 84 तो 5t² प्लस 3/2t² इसको सॉल्व करेंगे इधर से तो ये हो जाएगा 84 इंटू 2 बराबर 10t² प्लस 3t² फिर 3t² प्लस 3t² प्लस 10t² माइनस 84 टू जा होगा एक वैल्यू होगा 6 सेकेंड एक वैल्यू हो जाएगा 6 सेकेंड तो 6 सेकेंड वाला वैल्यू टी का वैल्यू हो जाएगा 6 सेकेंड मतलब 6 सेकेंड में वैल्यू में सक्सेसिव टी हो जाता है। यहाँ पर कैसे आएगा कि यहाँ पर अगर इसका वैल्यू 1 × 3² है ना कर देंगे 1 × 6² बराबर 36 मीटर तरह का 4-5 प्रॉब्लम अदर बुक से करेगा एक्सरसाइज का एक्सरसाइज में ऐसा ही प्रॉब्लम दिया हुआ है 4.20 सेम प्रॉब्लम इज देयर और 4.21 इस सारा प्रॉब्लम को बनाना है एक्सरसाइज से पेज नंबर 87 राइट। तो इस तरह जो है हम लोग अब ये रिजल्टन वेलोसिटी कितना होगा वो भी निकाल लेंगे बी बराबर बी कंटर जे एक्स स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर करके निकालोगे तो ये ऐसे न्यूमेरिकल जो है ये आप सॉल्व करना है। तो अब जो है हम लोग देखते हैं अगला हेडिंग द रिलेटिव वेलोसिटी, अगला हेडिंग है टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन रिलेटिव वेलोसिटी क्या है चैप्टर 3 प्रीवियस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में सेक्शन 3.7 में सेम डेफिनेशन यहाँ है। सपोज टू ऑब्जेक्ट है एक ऑब्जेक्ट ये है कि प्लेन में जा रहा है एक ऑब्जेक्ट जा रहा है इसे ये दूसरा ऑब्जेक्ट जा रहा है इस तरह इस प्लेन में सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी कैन बी रिटेन एज है ना तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए मतलब बी ए बी दैट कैन बी रिटेन एज सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो बी ए माइनस कितना हो जाएगा बी हो जाएगा राइट। और
relative velocity of a object B with respect to A. तब इसको लिखेंगे B B A बराबर B B B minus B A लिखेंगे. सेम डायरेक्ट है. इसको हम कैसे कर सकते हैं? माइनस कॉमन ले लेंगे तो B A माइनस करना B B तो B A माइनस B मतलब माइनस B A B B लिखा जा सकता है. इसका मतलब B B A बराबर होगा B A B का लेकिन अपोजिट नेचर का होगा. इस तरह हम लोग इसको कर सकते हैं. तो लेकिन दोनों का क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो मैग्नीट्यूड सेम तो ये है सब हम लोग करेंगे. अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, एक जा रहा है इधर, एक इधर जा रहा है, और बी इधर जा रहा है, तब इसका रिलेटिव वेलोसिटी बराबर हो जाएगा बी ए प्लस अपना बी बी का ये. अगर इक्वल वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. सेम डायरेक्शन में है और अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का प्लस हो जाएगा. ऐसा अनुभव हम लोग अपना डेली लाइफ में कर सकते हैं. दो बस पैरेलल जा रही है, दोनों अगर सेम स्पीड में होगा तो एक दूसरे के पैसेंजर को देखो, बस को मत देखो, देखोगे दोनों रेस्ट में है. लेकिन अगर बस का एक दूसरे दोनों बस का वेलोसिटी अलग अलग होगा तो एक ज्यादा फास्ट नजर आएगा. ठीक है. और अपोजिट में होगा तो ऐसा फील होगा कि पीछे वाला जो उल्टा बस जा रहा है वो बहुत तेज भाग रहा है मुझसे. दिस इज द फीलिंग ना. लो वी डिस्कस द न्यू थिंग्स व्हिच वी हैव सेन अर्लियर इन क्लास 9 आल्सो. दिस इज द प्रोजेक्ट टाइम. प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज प्रोजेक्टाइल. व्हाट इज आर प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल क्या है? प्रोजेक्टाइल क्या है? व्हाट इज आर प्रोजेक्टाइल. प्रोजेक्टाइल इज नथिंग, इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्लाइट. है ना? एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्लाइट, जो फ्लाई करे. है ना? विच इज इन फ्लाइट अंडर आफ्टर बीइंग थ्रोन. आफ्टर बीइंग थ्रोन फेंकने के बाद, जैसे ये चौक है, एक छोटा सा चौक ले लेते हैं, बड़ा चौक क्यों बर्बाद करें? ये चौक हाथ में है तो चौक है, लेकिन जैसे इसको फेंक देंगे थ्रो करने के बाद जो चलेगा फ्लाइट में रहेगा तब वो चौक नहीं रहेगा, उसका नाम पड़ जाएगा प्रोजेक्टाइल. उसी तरह एक स्टोन हाथ में लेकर, हाथ में तो स्टोन है लेकिन उसको अगर थ्रो कर दें, थ्रो करने के बाद स्टोन नहीं होगा, उसका नाम कहेंगे वो प्रोजेक्टाइल. राइट. बो में एरो लगा हुआ है, स्ट्रेस में हो तो एरो है, लेकिन इसको रिलीज कर दें तो जब वो फिर फ्लाइट करेगा थ्रो करने के बाद तो वो कहलाएगा प्रोजेक्टाइल. एन ऑब्जेक्ट विच इज इन फ्लाइट कब? आफ्टर बीइंग थ्रोन. आफ्टर बीइंग थ्रोन 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 प्रोजेक्टेड एंड और मूव करे. एंड मूव्स एंड मूव्स अंदर. कौन सा फोर्स के अंदर? फेंकने में तो फोर्स लगाए, उसके बाद तो फोर्स और नहीं लगा है, लेकिन वो मोशन में है. आप अंदर मूव्स अंदर अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भी यूज करे देन द ऑब्जेक्ट. देन द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टाइल. नाउ उस ऑब्जेक्ट का आर करेंगे प्रोजेक्टाइल. नाउ उसका जो मोशन होगा एंड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
राइट। इसके लिए एग्जाम्पल क्या क्या होगा, एग्जाम्पल होगा एथ्रॉन जैवलिन जैवलिन थ्रो करने के बाद वो प्रोजेक्टाइल हो जाता है ना। एथ्रॉन पत्थर को छोड़ने के बाद फुटबॉल को जब किक कर देंगे हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, प्रोजेक्टर नहीं है, लेकिन हेलीकॉप्टर का इंजन अगर आकाश में खराब हो गया उसके बाद क्या वहां रहेगा, गिरना शुरू हो गया, तब वो हेलीकॉप्टर बन जाएगा प्रोजेक्टाइल। तो दिस मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मे बी थॉट एज ए रिजल्ट ऑफ टू मोशन है ना। अब जो है मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एंड बी थॉट एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन, दो मोशन का, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। सपोज ये हम लोग प्लेन ले लिए, थोड़ी बॉल फेंकते हैं इसे वर्टिकल प्लेन के ऐसे होकर जा रहा है ना, चौक पे भी चौक चल रहा है, ये वर्टिकल प्लेन हो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलग जा रहा है और वाई एक्सिस के अलग डाउन जा रहा है। सपोज एक ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ से थ्रो कर दिए तो क्या यह ऑब्जेक्ट सीधे जाएगा, नहीं जाएगा। दूर दूर जाने के बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस तरह, अब देखो इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई होगा, ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा एक्स, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वर्टिकल मोशन जो है ना, वर्टिकल मोशन यहाँ पर इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट, एक अलोंग एक्स एक्सिस विनोड एक्स, एक अलोंग क्या होगा वाई एक्सिस विनोड वाई, जैसे हो जाएगा वी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो रहा है, वहां तक पहुंच जा रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी जीरो, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, जैसे यहाँ आ जाएंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रहेगा ही, और वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा डाउन का, जैसे जैसे नीचे आएगा ये वेलोसिटी बढ़ेगा, ये सेम रहेगा, और ग्राउंड पर क्या होगा मैक्सिमम हो जाएगा पक्का, पहले आपने देखे हैं। तो ये जो है ना मोशन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट साइमल्टेनियसली अकरिंग कंपोनेंट ऑफ द मोशन। तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन है इज अ रिजल्ट, ये रिजल्ट है इसका ऑफ टू सेपरेट अलग अलग, एक अलग एक्स एक्सिस एक अलग वाई एक्सिस है सेपरेट, लेकिन साथ साथ साइमल्टेनियसली व्हाट आर दो कंपोनेंट होगा ना, दो कंपोनेंट कौन होगा, एक होगा मोशन ऑफ वेलोसिटी का, एक होगा अलोंग एक्स एक्सिस होगा, और दूसरा होगा अलोंग क्या होगा, अलोंग वाई एक्सिस होना है राइट। और दोनों साथ साथ किसी भी पॉइंट पर लेंगे ये क्या होगा, साथ साथ जो रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं कि जाए इतने रहेगा। तो दिस हेयर यू सी, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग थ्रो करेंगे तो ऐसे घूमेगा, इनिशियल वेलोसिटी ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वर्टिकल वाला बढ़ते बढ़ते जाएगा, फिर ग्रेविटी के कारण हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये यूनिफॉर्म रहेगा, मतलब इसका एक्स
एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट का एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस एक्सेलरेशन जीरो। और वर्टिकल वाला क्या होगा? जब यहाँ से थ्रो हुआ, थ्रो होके गया, तो जैसे जैसे मैक्सिमम पर जाएगा तो यहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा? वर्टिकल वेलोसिटी बराबर जीरो। फिर इधर आएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगा, वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, इस वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम, बट हॉरिजॉन्टल इज रिमेन सेम, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक बार थ्रो करें, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है। कितना एक्सेलरेशन? माइनस जी एक्सेलरेशन, डाउन बार है ना, डाउन बार है ना, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन हम लोग लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो गैलीलियो ने जो है इसको, गैलीलियो ने सबसे पहले ऑब्जेक्ट दिया था ऐसा मोशन, कब किया था? न्यूटन के बहुत पहले, क्योंकि न्यूटन है। गैलीलियो कब डेट किया? 1642 में गैलीलियो डाई, गैलीलियो डाई, एंड सेम ईयर 1642 में इसने न्यूटन जो है टूक बर्थ जन्म लिया, है। तो मोशन का जो है सारा जो है सिस्टमेटिक स्टडी न्यूटन ने किया था और इन्होंने लिखा, इसलिए वो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, जबकि वो गैलीलियो का दिया हुआ कॉन्सेप्ट कोई आगे है। तो ये सबसे पहले ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट या द फैक्ट वाज ऑब्जर्व बाय गैलीलियो बिफोर 1642, और उन्होंने अपना एक किताब जिसका नाम था डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम कब लिखा था? 1632 में, ये डेट का लिखा है। गैलीलियो ने किताब लिखा डायलॉग ऑफ क्या? डायलॉग ऑफ कौन सी? डायलॉग ऑफ ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम, ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम किताब लिखा था, उसी में गैलीलियो ने देश की चर्चा किया था, ठीक है। तो ये तो हुआ मतलब कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट, ये माइनस भी नीचे लगेगा, अब इसको हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। डेट फेट सब जो है ना याद रखना है, सबसे पहले कब मेंशन किया था प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में? 1632 ईस्वी में, किसमें? गैलीलियो ने अपने किताब में, किताब का नाम था डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम में इसको किया था। ऐसा नहीं है कि गैलीलियो जब इसको फैक्ट पे जाना उसी समय से प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट है, दिस कॉन्सेप्ट दिस फैक्ट एग्जिस्ट इन द नेचर सिंस द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, बट फर्स्ट टाइम ही हैज ऑब्जर्व, हु गैलीलियो हैज ऑब्जर्व, राइट। तो लेट अस सी द फैक्ट्स, फैक्ट्स को देखते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये भी मोशन इन प्लेन है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए मोशन इन प्लेन। और यहाँ से मान लो कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इनिशियल वेलोसिटी कितना से? वी नॉट से थ्रो कर दिया, वी नॉट थ्रो किया, तो सीधे तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, किसी ने होता नेचर ऑफ द नेचर, क्योंकि थ्रो होकर ऊपर जा रहा है, नीचे ग्रेविटी लग रहा है, उसको रोकेगा, उसका वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते क्या होगा? ये यहाँ मैक्सिमम हाइट पर आके क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, उसका फिर बढ़ना शुरू करेगा टाइम वाइज, और यहाँ आके क्या होगा? मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा। तो हियर यू सी, ये जो है एंगल मेड बाय द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो क्या होगा? थीटा एंगल बना रहा, थीटा एंगल बना हुआ, लेट एन ऑब्जेक्ट, लेट एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड है, प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन विथ विथ वेलोसिटी वी नॉट इनिशियल वेलोसिटी एन आर एंड
मैक्स एंगल थीटा, मैक्स एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है, वही ना स्वरूप बताएगा। तो यहाँ देखो द कंपोनेंट ऑफ बी, द कंपोनेंट ऑफ बी नॉन, वेक्टर का कंपोनेंट करना चाहिए सीखा है। इसका दो कंपोनेंट होगा, एलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा होता है, ये वाला कंपोनेंट होगा। तो ये कितना होगा, ये पूरा बी है, तो जाएगा वी नॉट वाटर एलोंग एक्स एक्सिस। तो वी नॉट कितना, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा इसके बगल वाला जो है ये कॉस ऑफ थीटा होगा। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा वी नॉट कितना, साइन ऑफ थीटा होगा। दो कंपोनेंट हुआ इनिशियल वेलोसिटी का इतना ना, तो जो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग कितना, एक नंबर में वी नॉट एक्स मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट कितना होगा, वी नॉट कॉस ऑफ थीटा। और वाई एक्सिस के अलोंग वी नॉट वाई, ये वी का दो कंपोनेंट होगा ना, कितना होगा वी नॉट एक्स आई प्लस कितना वी नॉट वाई जे, तोड़ने के लिए जानता है ना कंपोनेंट बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा कितना वी नॉट साइन ऑफ थीटा हो जाएगा, राइट अलोंग एक्स एक्सिस। तो मान लो कोई समय टी पर यहाँ पहुंचा है, एट एनी टाइम टी, इस समय एक्स वाई हो गया है ना, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा एक्स होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा वाई होगा। टाइम कितना है, टी है, इसका इक्वेशन लिखना है ना। और चला है कहाँ से, ओरिजिन से चला है, यहाँ पोल भी है, ओरिजिन से चला है ना। इसका मतलब सिंस द ऑब्जेक्ट, सिंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक्स नोट का वैल्यू जीरो और वाई नोट का वैल्यू जीरो, इतना सब है। अब जो है टी समय में इसका ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, डिस्टेंस है, तो हम लोग को पता है काले में सिंस एक्स बराबर मतलब ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस, इसका इक्वेशन लिखे हैं याद करना है, एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टी प्लस कितना हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा। तो ये वाला पार्ट तो हो जाएगा जीरो, ये वाला पार्ट जीरो होगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा विनोट एक्स टी। विनोट एक्स का वैल्यू कितना है, विनोट एक्स का वैल्यू कितना है, विनोट कितना है कॉस ऑफ थीटा इंटू टी रहेगा, ये एक्स का वैल्यू हो जाएगा, राइट। जिसमें का वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू हो गया विनोट एक्स है विनोट कॉस थीटा, विनोट कॉस थीटा इंटू टी, इक्वेशन वन। इससे टी का वैल्यू अगर निकालेंगे तो एक्स बाय कितना होगा विनोट कॉस ऑफ थीटा, इक्वेशन टू कर दो। अब वाई एक्सिस वाला वैल्यू करना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की ओर कितना जाएगा मतलब ऊपर की ओर कितना जाएगा। तो वाई का इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन से वाई बराबर वाई नॉट प्लस वी नॉट वाई की प्लस हाफ कितना ए वाई की स्क्वायर, वाई बराबर ओरिजिन से चला है ये वैल्यू हो जाएगा जीरो। वी नॉट वाई का वैल्यू कितना है, दिस इज द वी नॉट साइन थीटा इनटू टी प्लस हाफ, ये वर्टिकल एक्सेलरेशन है कितना के बराबर है, ये माइनस जी के बराबर है और ये टी स्क्वायर हो गया, इसलिए वाई बराबर कितना वी नॉट साइन ऑफ थीटा इनटू टी प्लस माइनस कितना माइनस वन पॉइंट टू कितना हो गया जी स्क्वायर। अब जो है ये वाई वैल्यू निकल गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई। नाउ सी वाई बराबर वी नॉट साइन ऑफ थीटा, टी को भगाओ टी का वैल्यू कितना है इतना है, तो एक्स बटे कितना वी नॉट कॉस ऑफ थीटा माइनस वन पॉइंट टू जी, और एक्स बटे होल स्क्वायर है, वाई बराबर कितना है, ये विनोट प्रोडक्ट कैंसिल,
यह बन गया साइन बाई कॉस, कितना हो गया टेन ऑफ थीटा इंटू एक्स माइनस माइनस यहाँ कितना वन बाई टू जी बाई कितना है बिना का स्क्वायर होल स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा हो गया इंटू कितना है एक्स स्क्वायर। ये एक इक्वेशन आया है, ये इक्वेशन आया है, यह इक्वेशन कैसा है इससे पहले अगर हम देखेंगे तो वाई बराबर एम एक्स प्लस एम डैश एक्स स्क्वायर डिग्री अगर टू है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। और क्वाड्रेटिक का जब भी हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगर ऐसा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन वाई बराबर एम एक्स का है, लेकिन वाई बराबर एम एक्स स्क्वायर अगर हो जाएगा तो ग्राफ ऐसा नहीं होता है बाबू, ग्राफ ऐसा होता है मतलब पैराबोलिक होता है। और ये इक्वेशन कैसा है, दिस इक्वेशन इज वेरी मच सिमिलर टू इक्वेशन ऑफ किसका, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला का इक्वेशन से मिलता जुलता है। जब मिलता जुलता है इसका मतलब मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी व्हाट पैराबोलिक, मतलब इसको कहते हैं ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल एंड दिस विल बी व्हाट हमेशा पैराबोलिक होगा है, याद रहेगा पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल विल बी ऑलवेज पैराबोलिक राइट। और हम लोग आगे जो है दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो निकाला है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है। और हम लोग आगे जो है देखेंगे टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, उसके बाद रेंज देखेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल अगला वीडियो में, और यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू।